आईफोन 14 को ब्राजील में बैन कर दिया गया है, पर क्यों? आइए जानते हैं कि आखिर आईफोन 14 में ऐसा क्या है जो इसे बैन किया गया। हाल ही में एप्पल ने अपना न्यू आईफोन 14, 14 प्रो और एप्पल वॉच को इंट्रोड्यूस किया था, लेकिन उससे एक दिन पहले ही ब्राजील के अंदर आईफोन की सेल्स पर रोक लगा दी गई, जिसका मेन रीजन बताया गया है कि आईफोन 14 एक इनकम्प्लीट प्रोडक्ट है। दरअसल 2020 में जब आईफोन 12 लॉन्च हुआ तो एप्पल ने आईफोन के बॉक्स में से चार्जर हटा दिया, ये कहते हुए कि ये एनवायरनमेंट के लिए फायदेमंद रहेगा क्योंकि इससे बॉक्स का साइज छोटा हो जाएगा। लेकिन अलग से जो चार्जर आता है उसमें ज्यादा पैकेजिंग लगती है, लेकिन ये एप्पल ने नहीं बताया, क्योंकि सिर्फ चार्जर को हटाने से एप्पल को 6.5 बिलियन US डॉलर्स का प्रॉफिट हुआ। फाइनली ब्राजील ने इस पर एक्शन लेते हुए आईफोन 12 से लेकर आईफोन 14 तक जिसमें चार्जर्स नहीं आते उन सभी की बिक्री पर रोक लगा दी है। साथ ही साथ एप्पल के ऊपर 18 करोड़ रुपीज का फाइन भी लगाया गया है।